मशरक प्रखंड कार्यालय परिसर में दूसरे चरण में जाति आधारित गणना के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन सोमवार से शुरू किया गया। मास्टर ट्रेनर पिंटू रंजन रामाशंकर सहनी के द्वारा एक दिवसीय प्रशिक्षण की शुरुआत की गई। इस दौरान जाति जनगणना के पपत्र तैयार कर अपलोड करने के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दिया गया। साथ ही प्रशिक्षण के दौरान सभी पर्यवेक्षक को कड़ा निर्देश देते हुए बताया कि समय सीमा के अंदर प्रत्येक परिवार का पपत्र ऑनलाइन किया जाना है, इसमें किसी प्रकार की कोताही ना बरते। वहीं मास्टर ट्रेनर पिंटू रंजन ने बताया कि एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। वहीं लगातार चार दिनों तक अलग अलग ग्रुप में प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जाएगा। वहीं उद्घाटन सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी संजय सिंह ने किया। प्रशिक्षण के दूसरे दिन दुर्गौली, बहड़ौली, जजौली एवं गंगौली पंचायत में प्रतिनियुक्त प्रगणक एवं पर्यवेक्षक भाग लिए। इस प्रशिक्षण में मास्टर ट्रेनर पिंटू रंजन, संतोष कुमार सिंह, रहमत अली मंसूरी, शालिनी कुमारी, प्रमोद कुमार उपाध्याय, विक्की कुमार पाठक, रमाशंकर सहनी, चंदन कुमार सिंह, लोकेश रंजन त्रिपाठी, उमेश मिश्रा आदि के द्वारा प्रशिक्षित किया गया। वास्तविक गणना से संबंधित सभी बिंदुओं पर व्यापक रूप से प्रकाश डाला गया एवं प्रशिक्षण के अंत में सभी प्रशिक्षु प्रगणक एवं पर्यवेक्षकों से 5-5 पपत्र का संधारण कराया गया। साथ ही मोबाइल ऐप पर भी 5 परिवार का डमी डाटा फीड कराकर उन्हें फील्ड में जाने से पहले भरपूर प्रैक्टिस का मौका दिया गया, ताकि उन्हें फील्ड में कार्य करने में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। बताइए, आज प्रशिक्षण के बारे में बताइए, जातीय जनगणना। मेरी यहाँ प्रतिनियुक्ति जो है फील्ड मास्टर ट्रेनर के रूप में की गई है, जिसके अंतर्गत मशरक प्रखंड अंतर्गत विभिन्न पंचायतों के परगणक एवं पर्यवेक्षक को द्वितीय चरण के बिहार जाति आधारित गणना के कार्य हेतु प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें कई सारे बिंदुए हैं। उन सारे बिंदुओं को काफ़ी विस्तृत रूप में बताया जा रहा है और उनकी जो भी शंकाएँ हैं उसको दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। और साथ में प्रशिक्षण के अंत में उनसे 5 जो प्रपत्र है, डमी प्रपत्र, वो भरवाया जा रहा है। एक तरह से मॉक ड्रिल किया जा रहा है, ताकि वो फील्ड में जब काम करने के लिए जाएं तो वो पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट रहें और उनको कोई परेशानी नहीं हो। इसके साथ ही इस बार जो है परगणक को ऐप पे भी काम करना है, तो वो सभी परगणक अपने अपने एक ऐप पे काम करेंगे, उस ऐप पे भी डाटा की प्रविष्टि करेंगे, तो उस ऐप की भी प्रशिक्षण जो है यहाँ दी जा रही है और उस ऐप पे भी डाटा एंट्री का काम कराया जा रहा है, ताकि उसकी भी उनकी प्रैक्टिस हो सके और फील्ड में अच्छे से काम कर सके। और बिहार सरकार की जो महत्वाकांक्षी ये कार्यक्रम है बिहार जाति आधारित गणना, इसको सफल एवं सफल बनाने में सर बताया जाए। आज 4/4/2023 को दूसरे दिन जाति आधारित गणना का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसमें ऐप के माध्यम से कैसे हम लोग गणना करना है, जाति आधारित गणना है, उसके माध्यम से प्रगणों को यह बताया जा रहा है। जरूर दीक्षांत से करो फ्री खुद को स्ट्रेस से। गूगल प्ले स्टोर से दीक्षांत ऐप डाउनलोड कर अपने स्टडी को बनाओ आसान और मजेदार। दीक्षांत देता है टॉपिक वाइज वीडियो विद एनिमेटेड विजुअल्स एंड कॉन्सेप्ट वाइज स्टडी मटेरियल्स।